हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड। चैप्टर टू में अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उसको अलग अलग करके हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू है वो लिखनी है। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? प्लेस वैल्यू, ईच डिजिट यानी कि हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू है वो लिखना है। पहला नंबर दिया है 1, 3, 5। आपको पता ही होगा वंस, टेंथ और हंड्रेड्स कैसे होता है। ये लास्ट वाला है वो वंस, उसके बाद है टेंथ और सबसे पहले है हंड्रेड्स। हर एक में यही रूल आपको याद रखना है। हंड्रेड प्लेस पे है तो क्या आएगा? उसके पीछे कितने डिजिट है? दो डिजिट। तो उसके वन के पीछे में कितने जीरो ऐड करेंगे? टू। फिर है थ्री, उसके पीछे कितने डिजिट है? एक डिजिट है। तो हम थ्री के पीछे कितना जीरो ऐड करेंगे? एक। और लास्ट में फाइव, फाइव के पीछे कोई डिजिट ही नहीं है तो वो वैल्यू सिर्फ वो नंबर ऐसे ही आए। समझ में आया? क्योंकि वो फाइव है वो वंस प्लस पे है तो सिर्फ वह अकेला ही आएगा। फिर थ्री है वो टेंस प्लस पे है तो यानी कि थ्री मल्टीप्लाई टेन यानी कि थ्री टेन जा थर्टी। फिर हंड्रेड है वो हंड्रेड प्लस पे है तो आएगा हंड्रेड। समझ में आया? नंबर टू 107। वन है वो कौन से प्लेस पे है? हंड्रेड। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हंड्रेड। फिर जीरो है वो कौन से प्लेस पे है? टेंस। अब जीरो में क्या आएगा? वो टेंस पे है तो टू जीरो। लास्ट में सेवन तो वहाँ पे लिखेंगे सेवन। या तो फिर आप वो दूसरी वाली मेथड से भी ये सारे कर सकते हैं। वन के पीछे कितने डिजिट है? दो। तो वहाँ पे आएगा दो जीरो। वन के पीछे फिर सिक्स के पीछे कितने डिजिट है? वन। तो सिक्स के पीछे एक जीरो और जीरो के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ पे आएगा सिर्फ जीरो। नंबर फोर 1, 3, 9। वन के पीछे कितने डिजिट है? दो। वहाँ पे आएगा वन के पीछे दो जीरो। थ्री के पीछे कितने डिजिट है? वन। तो थ्री के पीछे हमें सिर्फ एक जीरो ऐड करना है और नाइन के पीछे कुछ नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ नाइन। नंबर फाइव 1, 4, 6। वन के पीछे कितने डिजिट है? टू डिजिट है तो वहाँ पे लिखेंगे वन के पीछे टू जीरो ऐड। फोर के पीछे कितने डिजिट है? एक डिजिट है तो फोर के पीछे कितने जीरो ऐड करना है हमें? एक सिर्फ। और सिक्स के पीछे कुछ नहीं है तो वहाँ पे आएगा सिर्फ सिक्स। नंबर सिक्स 1, 9, 8। वन के पीछे कितने डिजिट है? टू डिजिट तो वहाँ पे आएगा वन के पीछे टू डिजिट वन के प्लस वैल्यू में। नाइन के पीछे कितने डिजिट है? एक डिजिट है तो नाइन के प्लस वैल्यू क्या होगी? नाइन के पीछे सिर्फ एक जीरो यानी कि 90। और एट के पीछे कुछ नहीं है तो एट के प्लस वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ एट। क्वेश्चन नंबर 8। राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच ए बॉक्स। अब इस हम इसमें क्या करेंगे? ये सारे बिट्स है उसे काउंट करके लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वन से, फिर टेंस के, फिर हंड्रेड्स। चलो देखते हैं वंस में कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 6। अब टेंस के काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। अब हंड्रेड्स के वहाँ पे कितने हैं? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। इसे कैसे लर्न करेंगे? 146। नंबर टू में चलो वंस में कितने हैं? 1, 2, 3। तो वहाँ पे लिखेंगे 3। टेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। और हंड्रेड में कितने हैं? 1। तो इसे क्या कैसे लर्न करेंगे? 163। नंबर थ्री में कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों? काउंट करना है हमें वन से ही स्टार्ट करना है वंस में। चलो करते हैं स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। टेंस में 1, 2, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और हंड्रेड्स में दिया है सिर्फ 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो इसे कैसे लर्न करेंगे? 138। नंबर 4 टेंस में काउंट करना है ना पहले बच्चों में। टेंस में कितने दिए हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर टेंस में कितने हैं? 1, 2। 2 हंड्रेड्स में 1।
उल्टे से स्टार्ट करना है, 1 से और 100 तक जाना है। अब इसे कैसे लर्न करेंगे? 124। चलो नंबर 5, इसमें वंस पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, टेंस में 1 2 3 4 5, वापस 5, अब हंड्रेड्स में दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। चलो अब इसका आंसर क्या आएगा? 155। चलो अब नेक्स्ट नंबर 6, वंस में क्या है? कुछ नहीं है तो वहाँ पे लगाएंगे 0। अब टेंस का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आएगा 8। अब हंड्रेड्स का काउंट करेंगे, हंड्रेड्स में है 1 तो वहाँ पे लिखेंगे 1। इसका आंसर क्या होगा? 180। नंबर 7 में कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से। 1 में कितने हैं? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब टेंस का काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंस के नीचे 9। हंड्रेड्स में कितने दिए हैं? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इसे कैसे लर्न करेंगे बच्चों? 191। नंबर 8, चलो 1 से काउंट करेंगे, 1 में कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब टेंस में कितने दिए हैं? कुछ नहीं तो वहाँ पे आएगा 0। और हंड्रेड्स में कितने दिए हैं? 1, तो वहाँ पे लिखेंगे 1। तो इसे कैसे लर्न करेंगे? 108। थैंक यू।